आज आए हम अपने खेतों में गाय के लिए घास लेने के लिए। अब पेशे से तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन गांव आने के बाद सब कुछ करना पड़ जाता है। अब गाय के लिए घास मतलब चारा लेना। ये देखो, ये मकई का खेत है मेरा, ये मक्का का खेत है। पूरा अंदर अंदर बहुत दूर तक आ चुके हैं, पूरा देखिए इधर ये आरी बोलते हैं इसको, बीच में आरी है, रास्ता है, दो पार्ट में खेत डिवाइडेड है। ये मेरा है, ये वाला पार्ट मेरा है, ये किसी और का है। इसी में से घास लेना है। ये मक्के का खेत है, जो इसका आप लोग क्या कहते हैं पॉपकॉर्न खाते हैं या भुट्टा खाते हैं। अब देखिए अभी ये स्टार्ट हुआ है फरना, अभी इसमें मूछ आया, मूछ और हल्का फुल्का दाना आ गया होगा। इसको चीर के दिखाएंगे तो उसमें हल्का फुल्का दाना होगा, जिसको भुट्टा भी बोलते हैं हम लोग, आप लोग भी भुट्टा ही बोलते होंगे। बाकी पॉपकॉर्न उसको पूरा पक जाता है, तो उसके बाद उसको भूंज के उसका पॉपकॉर्न बनाया जाता है। अब इससे घास कैसे निकालते हैं, अब देखिए पूरा मकई का खेत है। अब इसको हम तोड़ तो सकते नहीं है, इसको काट तो सकते नहीं, क्योंकि भुट्टा ख़राब हो सकता है। अभी क्या होता है कि जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये गांठ जो दिख रहा है, ये हर एक पार्ट में डिवाइडेड होता है। यहाँ से इसको खोलेंगे, ये वाला पार्ट इसका खुल जाएगा और ये इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इसको आपको दिखाते हैं खींच के, ये पूरा पार्ट खुल गया। अंदर करेंगे, ये पूरा अंदर चला जाएगा। देखिए ये पूरा फिर अंदर चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कोई इससे कुछ निकाला भी है या कुछ डाला भी है। देखिए ये पूरा ये निकल जाता है इस तरीके से, ये पूरा हर एक में होता है। देखिए ये इसको हर एक गाछ में ये परा हुआ है, इसको हम हर एक में ये परा हुआ रहता है। इसको हम घास के रूप में यूज़ कर लेते हैं और ये इस पर कुछ भुट्टे पे इसका या जो होता है इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके मक्के पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, जितना दाना होता है उतना ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलती से यदि सबका मेनली निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी को गाय को खाने में बहुत ही उपयोगी है। गाय का खाना बेस्ट होता है उसके लिए, ये हरी घास है और बिना खेत में इफेक्ट पड़े हुए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या था, कुछ कुछ छूट गया तो लास्ट में इसको ये तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। यदि सूख गया उसके बाद जब भुट्टा निकाल लेते हैं तो इसका अभी फिर घास बना सकते हैं, लेकिन वो सूखा घास होता है। अब ये पूरा हरा भरा घास है, इसका हम खोल अब से ये, अब इसमें मोछ नहीं आया हो तो इसका खींचेंगे तो ख़राब हो सकता है। ख़राब क्या, ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें, लेकिन इसमें भुट्टा निकल चुका है इसलिए इसमें से खींच भी लेंगे। ये पूरा इसको गब्बा बोलते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। यही है, कभी यहाँ से सारा हमको निकालना है, अपने गाय के लिए लेके जाना है, उसको काट के खिलाना है। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ से फिर पूरा लेके जाना है। पहले तो निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, फिर बाइक लाना पड़ेगा, उससे लाद के लेके जाएंगे। बने रहिए, आगे हम देखते हैं। अब एक दो दाना इसको खिला देते हैं, ये भुसाया हुआ है पूरा, इसको दे दिए एक दो दाना। इसको अब कि मजबूरी में बांधना पड़ गया इसको, ये पूरा खेत को पूरा नष्ट कर देता था, पूरा भुट्टा खा जाता था। अब इसको इसको ढाकर बोलते हैं गांव में, साँड भी बोलते हैं, आप लोग इसको साँड बोलते होंगे। ये खुला छूटा हुआ है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, तो पूरा ये पूरा खेत को नाश कर देता है, खेत को नाश कर देता है, जिसके कारण बहुत ही भुट्टा का अति हुआ है। इसीलिए इसको बांध दिए, ये नहीं कैसे छोड़ दिए, बांध के सुबह शाम इसको खाना देते हैं, बस बांधे हुए हैं। कुछ दिन भुट्टा भरा हो जाएगा तो उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। चलिए अब जा रहे हैं बाइक लाने, घास लेके जाएंगे, घास तो जमा कर दिए वहीं पर। अब यहाँ पर सुबह में काट के रख दिया था घास, यहाँ पे तो छोटा सा बासा था, बासा टाइप का कुछ था। इसको यहाँ पर ले जाना, बाइक लेकर आए हैं, बाइक पर बांधना है इसको, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, तेज़ धूप में सर पे लेकर जाना ठीक नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा समझो। कैमरा रख देते हैं यहाँ पर, मतलब अभी मार्च का महीना है, मार्च के महीने में लगभग यहाँ पर टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री पहुँच चुका है, इतना ज़्यादा गर्मी है अभी बिहार में। हाथ मतलब पूरा एकदम लेवल पार कर चुका है, देखो बस आदमी जा रहा है इतना धूप में सर पर कपड़ा रखे हुए। अब इसको बाइक के पीछे रबर से बांध देना है, रबर था बाइक में ही, उसी का यूज़ करके इसको बांध रहे हैं, अच्छे से बना जाएगा। उसको फिर ले कर जाना है, वहाँ पर जाके काटना है मशीन में, चाप कटर या क्या नहीं, वहाँ पे कुट्टी काटने वाला मशीन बोलते हैं गांव में, अब शहर में पता नहीं क्या नाम है इसका, इंग्लिश में होगा कुछ, लेकिन इसके यहाँ पे चाप कटर ही बोलते हैं मेनली, यहाँ पे कुट्टी काटने वाला मशीन बोलते हैं। उसका यूज़ करके इसको एक बगल से डालेंगे, दूसरे बगल से कट के निकलेगा ऑटोमेटिक छोटा छोटा। देखिए मशीन है, उसमें एक साइड से डालना है, दूसरे साइड से कट के निकल जाएगा छोटा छोटा। वहाँ पर आरी टाइप का कुछ लगा रहता है, फार टाइप का, सम फार बोलते हैं उसको, वो काटने का चॉपिंग का काम करता है। ये मशीन है कि कुट्टी डालेंगे इधर से तो उधर से कुट्टी छोटा छोटा निकलेगा,
मोदी जी वाला मशीन नहीं है कि कुट्टी डाले तो उधर सोना निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं के अकेले काटना पड़ रहा है, परेशानी होता है अकेले काटना में, कोई बच्चा को देखते हैं बच्चा रहता है तो हेल्प कर देता है कभी कभी, नहीं तो जनरली अपने खुद से काटना पड़ता है, एक साइड से लगाना होता है, फिर उस पास अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद फिर उसको घुमाते हैं तो कटता है ऑटोमेटिक। अब लार्ज स्केल में सूखा घास काटना है तो हाथ से काटना बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा एक ही बार काटना है तो उसके लिए मशीन लगा देते हैं, इसी में फीता का यूज़ करके पंपी सेट वाला जो मशीन होता है उसको साइड में लगा के सेट कर देते हैं, ऑटोमेटिक ये चलते रहता है, बस लगाने का काम करना पड़ता है। अब यह कि हरी घास है तो इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, आसानी से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे को भेजेंगे छिट्टा लेकर आएगा तो खाएगी जो भी है, उसको छिट्टा भी लगा देंगे, अभी नीचे गिर रहा है वो, छिट्टा लगा देंगे तो आसानी से कटेगा। भाई एक गाय है, एक गाय के लिए इतना कष्ट तो करना पड़ता है, ये नहीं कि आप है कि मतलब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए तो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, बस यही है कि बस गाय का समझिए एक टाइप का सेवा हो गया कि हाँ भाई भूखा नहीं रहना चाहिए, एक गाय का मतलब किसान है तो एक गाय को रखना अच्छा रहता है, गाय का सेवा भी हो जा रहा है और दूध भी मिल जा रहा है। ये छोटी आई है चिट्टा लेके, अब इसको लगा देंगे तो नीचे नहीं गिरेगा, आसानी से उठ जाएगा, आसानी से हम इसको लाद में डाल देंगे, छोटी थोड़ा हेल्प करेगी, लगा लगा वैसे समाज से बहुत चल तो बहुत दम चाहिए इसके लिए। अब इसको कंटिन्यू इतना चलाना मतलब तो एक समझिए एक एक्सरसाइज हो गया। आप जिम तो है नहीं यहाँ गांव में, तो ये मेरा एक जिम का काम भी करता है, इसीलिए मंथली हम विजिट करते रहते हैं गांव में, सुबह टहलने के लिए चल गए या दौड़ के आ गए, शाम में ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाता है, इतना काम करते हैं दिन भर तो होता ही रहता है एक्सरसाइज। लगा 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 ख़त्म हो गया लेते हाँ हाँ सब काटना है। गाय को खिलाते हैं, गाय को हरी घास बहुत पसंद है, अब सूखा घास देंगे तो उतना चाव से नहीं खाएगी, समझिए गाय के लिए क्या हो गया, समझ लीजिए एकदम दाल मखनी है और नान एकदम अच्छे से खाएगी, सूखा घास दे देंगे तो समझ लीजिए सूखा चावल सूखा रोटी खा रही है। अब गाय का मन सही रहेगा तो दूध भी अच्छी करेगी, और सूखा घास दे देंगे तो दूध भी कम करेगी, यही है यही का इसको काटने में कम से कम एक बोझा था, एक बोझा उसको समझे काटने में लग उसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं, 10-15 मिनट इसको काटेंगे। यहाँ पर लगभग जितना भी है यहाँ गांव में सभी गाय भैंस कोई ना कोई कुछ ना कुछ रखे हुए, कोई ऐसे नहीं रहता है, जितना भी मेनली जो होता है यहाँ पे बनिया सब वो सब नहीं पालते हैं, क्योंकि उसको दुकानदारी करना होता है, उसके पास खेत भी कम होता है इसलिए वो सब नहीं रख पाते हैं, बाकी जनरली जिसके पास भी खेत है उसके पास गाय या भैंस जरूर रहता है, मेनली गाय रखते हैं, गाय को पालना थोड़ा आसान होता है, भैंस को है कि भैंस को बहुत सारा चारा चाहिए और उसको धूप बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसको पर डे पानी में भी लेके जाना है, गाय को है कि बांध को हम कंटिन्यू खिला सकते हैं, उसको ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। कि लास्ट है ख़त्म होने वाला, अब इसको घुमा देंगे तो कट जाएगा, बहुत कम रह गया उतना छोड़ देते हैं, तो चॉपिंग करते हैं, इसको छिट्टा में सारा कुछ जमा हो गया, वही उतना नहीं तो पूरा नीचे छिट्टा नहीं लगाते तो पूरा नीचे बिखर जाता, इसको डायरेक्ट नीचे से निकालना है और लात में डाल देना है बहुत आसानी से। थोड़ा बहुत जो गिरा है नीचे हम उसमें तिरपाल लगा दिए थे, तिरपाल मतलब समझे नीचे पे एक लगा हुआ है जो उस पर ज़मीन पे नहीं है तिरपाल पे, उसको उठा के एक ही बार डाल देंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली है नहीं यहाँ पर डाल दिया। अब इसको अब एक गाय है और एक उसका बच्चा है छोटा सा, मतलब भाई गाय का छोटी छोटी बच्ची है एक ही है, वो भी बहुत क्यूट है, दोनों को देना है घास, वो भी एक महीने की हो गई है तो वो भी आसानी से खा लेती है। भारी बहुत है,
अब इसको जो गाय है इसको इसको लादी लोग बोलते हैं, लाद में इसको डाल दिया। गाय को तो खाना खिला दिया, काफ़ी गर्मी था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी, देख रहे हैं पूरा भींग गए हैं, पसीना से पूरा भींगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी था। देखिए यहाँ पर उसका बच्चा भी है, बच्चा है, इसको छोटा सा छोटा दे दिए, कम दे दिए, इसे से इसका काम चल जाएगा। देखिए उधर भी है एक, उसको किसी और मतलब मेरे कज़न का है, उधर भी गाय सब है, उधर देखिए वो सब दो दो गाय रखी हुई, उसका भी एक बछड़ा है। यही है, बहुत गर्मी है। चलिए वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए।